अक्सर लोगों के निशाने पर रहने वाले बिजली महकमे की क्षेत्र में खूब तारीफ हो रही है। महकमे के कर्मठ कर्मचारियों ने देवदार के घने जंगलों से गुजरने वाली बिजली की मुख्य लाइन को 3 फुट बर्फ के बीच माइनस डिग्री टेम्परेचर में ठीक कर मात्र 30 घंटे के अंदर क्षेत्र में बिजली बहाल कर एक मिसाल कायम कर दी है। इससे पहले भारी बर्फबारी होने पर कभी भी बिजली 3 दिन से पहले बहाल नहीं हो पाई है। इस बार अधिशासी अभियंता विद्युत मंडल चौपाल बलदेव चंद के नेतृत्व में जेई राजधीमान की टीम ने इस असंभव कार्य को मात्र 30 घंटे में कर दिखाया है। वहीं व्यापार मंडल नेरवा, विभिन्न पंचायत प्रतिनिधियों व स्थानीय लोगों ने बिजली बोर्ड प्रबंधन व प्रशासन से मांग की है कि भयानक ठंड के बीच बिजली बहाल करने वाली विभाग की टीम को सम्मानित किया जाए ताकि इन कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि हो सके। 23 तारीख को रक्षा से खिड़की क्षेत्र के घने जंगल में 3.5 फीट बर्फ व -5 डिग्री सेल्सियस तापमान के मुश्किल वाले हालातों में सभी रास्ते बंद होने के बावजूद कठिन परिस्थितियों में पूरे जंगल में एसटी लाइन की पेट्रोलिंग की गई व एसटी लाइन को दुरुस्त किया गया। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए नेरवा से सुरेश सूद की रिपोर्ट।